हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों ने पुराने वीडियो में इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और हम आपको ऐसे ही पुराने पुराने ऐतिहासिक स्थलों के विषय में और नई नई जगहों के विषय में जानकारी देते रहेंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं रायबरेली का बहुत ही पुराना ऐतिहासिक स्थल, जहाँ का अपना एक कुछ अलग ही इतिहास है। वो जगह जहाँ पर बैठ कर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावादी युग के बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहीं पर बैठ के अपनी कविताओं में माँ गंगा की लहरों का वर्णन किया करते थे। यहीं पे यही वो जगह है जहाँ पे बैठ के आल्हा उदल अपनी योजनाएं बनाया करते थे। यही है वो जगह जहाँ पे प्राचीन काल के बहुत ही महान ऋषि दालभ्य का जन्म हुआ। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि गंगा तट से एकदम सटा हुआ है और ये पड़ता है डलमऊ में, जो कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से लगभग 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। जो अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप लोगों को। तो लीजिए, अब आ गए हम बाहर। ये देख लीजिए, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यह किला लगभग जमीन तल से 150 फीट की ऊँचाई पर है। ये आप लोग खुद ही देख सकते हैं इतना ये गहराई है नीचे, और ये इतनी ऊंचाई पे हम लोग हैं। और ये देख लीजिए बगल में, जो कि गंगा जी से गंग नहर निकली हुई है, चौधरी चरण सिंह गंग नहर, जो कि किले से एकदम सटी हुई है। ये जो किले का सीन है आप लोग देख लीजिए, जमीन तो से कितना ऊपर है। और ये देखो जस्ट इसके बगल से ही गंगा मैया निकली हुई हैं। और वैसे भी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने राजा जी अपनी कविताओं में माँ गंगा का वर्णन करें क्यों ना, ये जगह ही ऐसी है। अगर आप यहाँ बैठेंगे, अभी अबकी बार बारिश नहीं हुई जिसके कारण गंगा जी में जल का भराव उतना ज़्यादा नहीं हो, वरना जब गंगा जी का जलस्तर बढ़ता है तो ये लगभग काफ़ी ऊंचाई तक आ जाती हैं और यहाँ से देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। और अभी आप लोग ये जो देख रहे होंगे, ये एकदम बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, हरा भरा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी रहता है और दीवार भी काफ़ी मोटी बनाई गई उस समय के हिसाब से, ताकि गंगा जी का जलस्तर कितना भी बढ़े लेकिन दीवार को या किले को कोई भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और अभी हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे बैठकर निराला जी अपनी कविताओं में माँ गंगा का वर्णन करते थे। और ये देख लीजिए, यहाँ से गंगा जी एकदम साफ दिखाई देती हैं। और यहीं पे बैठकर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी कविताओं में माँ गंगा की लहरों का वर्णन किया करते थे। अगर ये पेड़ ना हो तो कितना साफ दिखाई पड़े पूरा नज़ारा यहाँ का। और अगर यहाँ बैठोगे तो वैसे भी आपके अंदर गंगा की लहरों का वर्णन करने की जिज्ञासा अपने आप जगने लगेगी। ये देख लीजिए कितना बेहतरीन लग रहा है। अगर अब की बार अच्छे से बारिश नहीं हुई जिसके कारण कि देखो इस तरह दिख रहा है वीरान टाइप में, वरना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी और पानी रहता है। ये बगल में नहर का पूरा सिस्टम है अपना उनका, ये देखो नहर चल रहा है। यानी अगर आप यहाँ बैठते हैं तो बैठ के पूरे डलमऊ का नज़ारा बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और ये देख रहे हैं यहाँ से, ये जो दिख रहा है आपको नीचे एक गुफा थी जिसके माध्यम से आप बहुत ही गुप्त तरीके से किले से बाहर निकल सकते थे। अगर कोई ऐसी घटना घटती है जिससे कि आप बाहर से नहीं निकल सकते थे तो आप सिक्योर तरीके से इस जो नीचे गुफा बनी थी, हालांकि अब गुफा नहीं रह गई है, पट गई है सब कुछ एकदम बिल्कुल, लेकिन पहले जो गुफा थी इसके माध्यम से आप किले से बाहर निकल सकते थे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए अभी आप लोगों को बताते हैं इस किले के निर्माण के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं आप लोगों को। यह किला लगभग आज से 700 साल पुराना है और इस किले का निर्माण यहाँ के राजा, महान राजा, राजा डलदेव ने करवाया था। और इस किले पर जौनपुर के मुस्लिम शासक इब्राहिम शाह सरकी की नज़र काफ़ी दिनों से थी कि इसको हड़प लिया जाए, इसको जीत लिया जाए। उसने कई बार प्रयास भी किया लेकिन वो हर बार उसे मुँह की खानी पड़ी और राजा डलदेव ने उसे चित किया। लेकिन वो मौका ताड़ता गया और 1321 की वो घटना, जब होली का त्यौहार था और पूरे राज्य के लोग, सभी लोग होली का त्यौहार मनाने में, होली की तैयारियां करने में लगे हुए थे, तभी उसने चुपके से आके पीछे से आक्रमण कर दिया। ना कोई तैयारी थी युद्ध की, ना कुछ था, लेकिन फिर भी राजा डलदेव ने सिर्फ सेना की दो छोटी टुकड़ियों के साथ शाह सरकी का मुकाबला किया
और सासरखी को काफ़ी हद तक उसने औचित किया, उसकी किस सेनाओं को लगभग बहुत सारी क्षति पहुंचाई, लेकिन अकेला इंसान क्या कर सकता था। और युद्ध करते करते राजा डलदेव यहाँ से लगभग थोड़ी दूर एक गांव पड़ता है पखरौली, वहाँ जा पहुँचे और वहाँ पे सासरखी की सेना ने राजा डल को चारों तरफ से घेर लिया और वहीं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति अपने राज्य के लिए अपनी प्रजा के लिए दे दी। तो ऐसे थे हमारे राजा डलदेव। और इस होली के त्यौहार को यहाँ के सभी लोग होली के दिन शोक के रूप में मनाते हैं और होली का त्यौहार लगभग होली से 4 या 5 दिन बाद मनाते हैं।